Hi guys, welcome to my channel. My name is Tanvi and I create content related to fashion, beauty and lifestyle. Today I am doing an office makeup tutorial to without foundation, and in this video I will be sharing some products that are super budget friendly. This beautiful kurti from Myntra. So मैं अपना आपको पूरा look video के end में भी दिखाऊंगी. So do continue watching. पूरा last तक देखना. So let's get into the video without wasting any more time. We'll start the makeup and office makeup tutorial के लिए what I will say is आपका moisturize करना आपके face को is so so important because we are going for bare minimum product. Beautiful lavender color kurti I am wearing जो मैं आपको पूरा अपना look ना video के end में दिखाती हूँ. Skin has been super dry during this day, so moisturize karna is so important guys. This video I will be using all the products that are super budget friendly because if you are a college going girl, office going girl and आपका budget बहुत ज़्यादा नहीं है, still you want to like invest and indulge in some good skin care and makeup, then you can blindly follow this video. Moisturize karna, prime karna is so important. If you don't have a primer with you, what I will suggest is ki acha sa apne skin ko load up kar lo with skin care because that will act as a moisturizer and primer for your skin. This LA Girl ka concealer, so I will highly suggest ke concealer pe skip mat karo बिकॉज इवन आउट कर देता है अपने डार्क सर्कल्स वगैरह कुछ स्पॉट्स हैं. एंड आई विल हाईली सजेस्ट कि आप इस पैटर्न में थोड़ा कंसीलर लगाओ तो उससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा आपके फेस को थोड़ा लिफ्टेड इफेक्ट मिलेगा, जैसे ये ऐसे उठ रहा है. एंड इन दिस वीडियो आई विल शेयर लाइक ट्रिक्स विद यू जो आप थोड़ा सा अपने फेस को रिफ्रेशिंग, यूथफुल और लिफ्टेड लुक दे सकते हो. द एरिया एंड लाइक थोड़ा सा ना और जगह पे पहले अपने कंसीलर को वो कर लो, ब्लेंड कर लो एंड इन द लास्ट अपने अंडर आई को करो बिकॉज इट सिट देयर फॉर अ मिनट एंड देन स्टार्ट ब्लेंडिंग. उससे क्या होगा ना, आपका ब्लेंडिंग बहुत अच्छा होगा एंड यू विल गेट गुड कवरेज. तो मेरे आईज पे जो भी लगा है ना, मैं उसको अपर लिड पे भी लेके जा रही हूँ. एवर प्रोडक्ट इज देयर ऑन योर स्पॉन्ज, उसको ना डैब अपने पूरे फेस पे कर लो. कुछ एक्स्ट्रा फाउंडेशन या कंसीलर लेने की जरूरत नहीं है. वॉट एवर इज देयर जस्ट डैब इट ऑन योर फेस, सो आपके पूरे फेस पे ना एक सिमेट्रिकल लुक आ जाएगा एंड वी डोंट वॉन्ट टू ओवर डू इट. आपने देखा मैंने कितना थोड़ा सा कंसीलर लिया है बिकॉज वी डू वॉन्ट टू लुक प्रेजेंटेबल, कवर करना चाहते हैं, स्टिल वी डोंट वॉन्ट टू केक अप. नेक्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन योर मेकअप रूटीन इज सेटिंग योर फेस. मैं ये मेबलिन का फिट मी पाउडर, लूज पाउडर यूज कर रही हूँ एंड आई एम सेटिंग माई फेस. मैं बेकिंग नहीं करूंगी, ऑल दो आई एम अप्लाइंग लाइक नीचे थोड़ा सा, बट आई विल नॉट बेक माई फेस एंड लाइटली डैब जो थोड़ा थोड़ा है ना, मैं अपने पूरे फेस पे डैब करूंगी ताकि मेरा मेकअप जो है, वट जो भी थोड़ा सा हमने लगाया है अपने फेस पे, दैट गेट्स लॉक्ड एंड वो बच ना हो बिकॉज यू विल बी स्वेटिंग थ्रू आउट द डे. वॉक करने जाओगे थोड़ा बाहर, नीचे उतरते हो, इट्स लाइक इट्स टू हॉट एंड ह्यूमिड आउट देयर. तो उसके लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू सेट योर बेस एंड योर सेट. आई सजेस्ट थोड़ा सा ना पाउडर, ये जो लाइक लूज पाउडर है, अपने नेक पे लगा दो ताकि इट लुक सिमेट्रिकल. खुद नहीं करनी चाहिए आई नो, बट कैन यू लुक एट माई बेस, आई एम लविंग इट सो मच. मैंने इतना कम कंसीलर लगाया है एंड आई हैव सेट माई फेस यूजिंग लूज पाउडर, तो उसने मुझे बहुत अच्छा कवरेज दिया. सो अनदर टिप आई विल थ्रो इन ओवर हेयर इज गो फॉर लाइक थोड़ा सा कलर्ड या टिंटेड लाइक पाउडर्स या लाइक कॉम्पैक्ट, बिकॉज वो आपको थोड़ा कवरेज भी देगा एंड आपका बेस भी सेट कर देगा. ट्रांसलूसेंट भी अच्छे हैं, बट इफ यू आर लाइक लुकिंग फॉर अ लिटिल बिट ऑफ मोर कवरेज, then go with you know tinted like loose powders and compacts. It's a cum product and I am able to like run my hands all over my face because it has like bare minimum stuff on it. Now my second like most important step, pehla to setting tha face ka, second the most important thing is to do your eyebrows. Eyebrows are so freaking important, I cannot emphasize enough on them. आपका आईब्रोज अच्छे से शेप होगा ना, देन इट विल गिव अ फ्रेम टू योर फेस. आई ऑलवेज से दैट बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट. थोड़ा सा ना सिमेट्रिकल और अच्छा इफेक्ट आता है. यू डोंट हैव टू ओवर डू इट, जस्ट सी मी के मैं कितना हल्का, जस्ट आई एम फिलिंग इन द गैप एंड दैट्स इट. Important thing and like step in your makeup routine for office is your blush.
सो मैं ब्लश के लिए नायका का ये ब्लश यूज कर रही हूँ. सो आई विल एड अनदर टिप ओवर हेयर. जो भी आप ब्लश यूज कर रहे हो ना, लाइक डैब इट लिटिल बिट ऑन योर फिंगर एंड अपनी आईलेट पे थोड़ा सा लगा लो टू गिव अ लाइक हिंट ऑफ एंड पॉप ऑफ कलर. एंड आप उसको ब्लश भी लगाओगे तो वो बहुत सिमेट्रिकल और कोहेसिव लगेगा. लाइक कुर्ती इज गिविंग मी दैट पिंकिश लाइलैक काइंड ऑफ वाइब. तो मैं इस शेड के साथ जा रही हूँ. आई एम टेकिंग इट ऑन माई फिंगर सी एंड मैं थोड़ा सा इसको अपने आईलेट पे लगाऊंगी. That's it. और कुछ नहीं करना है, बस यही करना है. एक बिग gigantic ब्रश, इट्स वेरी ह्यूज, उस पर नहीं लग रहा है. टैप ऑफ द एक्सेस एंड देन प्लेस द ब्लश ओवर हेयर. कैन यू सी वेयर आई एम प्लेसिंग माई ब्लश? इट्स ओवर हेयर, नॉट हेयर, इट्स हेयर. यहाँ पे आप लगाओगे ना, क्योंकि कंसीलर भी आपने इधर लगाया था, ब्लश भी इधर लगाओगे, तो इट विल गिव अ वेरी लिफ्टेड इलोंगेटेड इफेक्ट टू योर फेस. अगर आपका फेस थोड़ा राउंड भी है, इससे थोड़ा इलोंगेटेड एंड लेस चबी लुक आएगा. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, दिस इज द वे यू डू योर ब्लश. एंड आजकल यही ट्रेंड में है, आपको ऐसे ही ब्लश लगाओ तो इट लुक्स मोर ब्यूटिफुल. आई विल से एडिंग ब्लश इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये जो है ना आपके फेस को एक पॉप ऑफ कलर देगा, अदरवाइज पूरा फेस ना बहुत चपटा सा लगेगा. सो आई लाइक टुक दिस ब्लश एंड मैंने इसको अपनी आईज पे लगा लिया और थोड़ा सा अपने फेस पे लगा लिया एंड थोड़ा सा नोज पे, बिकॉज आई लव ब्लश एंड ये बहुत 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 अमेजिंग लगता है. डू माई आई लाइनर, बहुत पतली सी लाइन लगाऊंगी मैं, बिकॉज लाइक आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल. माई काजल, आई जस्ट कैन नॉट स्टेप आउट विदाउट काजल. मैं तो नहाते ही काजल लगाती हूँ. आज वीडियो बनानी थी इसलिए नहीं लगाया, बट लाइक आई फील आई लुक इनकम्प्लीट विदाउट काजल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज योर मस्कारा. चाहे आप आई लाइनर स्किप करो, काजल स्किप करो, डोंट स्किप ऑन योर मस्कारा, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट, जो आपके आईज को एक लिफ्टेड इफेक्ट देगा. सो आई एम, सी हाउ आई एम विगलिंग माई लैशेस. सी कितना डिफरेंस क्रिएट करता ना मस्कारा. अनदर टिप आई विल लाइक टू एड ओवर हेयर इज कि जितना भी लाइक प्रोडक्ट है आपने उसको ऐसे क्लीन कर लो. एंड इफ यू आर डीलिंग विद बेबी हेयर या बहुत ज्यादा फ्रिज हो रहा है आपके बालों में, जस्ट टेक दिस वॉन्ड एंड लाइक थोड़ा सा अपने बालों के ऊपर ऐसे ऐड कर लोगे ना, तो द फ्रिज इन योर हेयर विल डाई डाउन. या छोटे छोटे जो बेबी हेयर है दैट विल गेट लॉक्ड इन. आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज आई एम शूटिंग दिस वीडियो, जस्ट अनदर टिप और हैक आई वॉन्ट टू एड ओवर हेयर. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट स्टेप ऑफ मेकअप रूटीन, जो शायद सबका ही होगा, is like using lipstick and look at my lipstick. जब से मैंने इस lipstick में invest किया and I'm not using anything else. And trust me, this is amazing, especially for office going या college going girls. It's not a sponsored video or anything. इस lipstick के अंदर ना आपको ये कुछ 500-600 rupees की है, जिसके अंदर आपको 5 शेड्स मिल रहे हैं. एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का ईच शेड. एंड इफ यू आर गोइंग टू कॉलेज, ऑफिस या कहीं पे भी पार्टी में जा रहे हो, छोटी गेट टूगेदर में जा रहे हो, देन यू इन्वेस्ट इन अ लिपस्टिक लाइक दैट एंड उसको अपने पर्स में डालो एंड यू आर सॉर्टेड, टचअप कर लो. एंड फॉर दिस लुक आई एम गोइंग फॉर पिंकिश, बिकॉज मैं थोड़ा पिंकिश टोन में रख रही हूँ. सो दिस इज द शेड आई विल बी वेयरिंग. वो गो विद वन लिपस्टिक एंड प्लस मुझे लग नहीं रहा है ये थोड़ा लुक के साथ जा रही है. सो आई विल एड अनदर न्यूड कलर ओवर हेयर एंड इसको मैं अपने लिप्स पे लगाऊंगी. आई लव द फॉर्मुला ऑफ दीज लिपस्टिक्स यार, लाइक बहुत क्रीमी है, बहुत कंफर्टेबल है ऑन योर लिप्स, like provides a good moisturizer, like moisture to your lip. Earrings मैं add कर रही हूँ to enhance my look. इससे थोड़ा सा ना like look में एक अच्छा वो आ जाता है. I love wearing earrings and छोटे office में ना ऐसे छोटे से dainty kind of earrings बहुत अच्छे लगते हैं. office में, college में, कहीं छोटी मोटी get together हो तो
ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ आपने बहुत ज्यादा किया, बट स्टिल इट लुक्स एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल। एडिंग दीज इयररिंग्स, ये बहुत छोटे से स्मॉल से डेंटी इयररिंग्स हैं, एंड लाइक ये एक थोड़ा सा ना इस आउटफिट का, इस लुक का एक्सपेक्टर बढ़ा देगा। टू कम्प्लीट दिस लुक आई एम एडिंग दीज इयररिंग्स एंड इट लुक्स ब्यूटिफुल, एंड लेट मी शो यू द फुल सेट, इट लुक्स सो ब्यूटिफुल। मैंने कुछ कुर्ता सेट्स लिए हैं, द वीडियो विल बी अप ऑन माई चैनल वेरी सून।